भोलेनाथ। आज मग्न होकर के कथा सुनकर गए हैं, तल्लीनता के साथ तो भगवान श्री राम का दर्शन हो गया। प्रभु की दंडकारण्य में वही लीला चल रही थी कि माँ सीता जी को रावण ले गया है और भगवान अन्वेषण करने के लिए, खोज करने के लिए चारों ओर घूम रहे हैं। हाँ सीता, हाँ सीता, और भगवान तो बड़े ही लीलाधारी है महाराज, अच्छे अच्छों की बुद्धि को घुमा दें। रोने लगे, हे सीते प्राण प्रीते कहाँ हो तुम, हिरणियों को देख के पकड़ लेते हैं, अरे इसकी आंखें कितनी प्यारी, बिल्कुल कोई सांप जा रहा है उसको देख कर के पकड़ ले, नहीं इसकी इसकी जो काला रंग है वो मेरे सीता के केस से मिलता है। सती ने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। यहाँ प्रभु शिव जी देखकर मगन हो जाते हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलियू मनोजन सावन, अस कही चलियू मनोजन सावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। ऐसा कह करके हे सच्चिदानंद भगवान आपकी लीला को नमन प्रणाम किया दूर से, क्योंकि अगर सामने जाएंगे तो भगवान की लीला चल रही है, कहीं व्यवधान ना हो जाए। भगवान शिव जी ने कहा कि अगर मैं पहुंच गया तो कहीं व्यवधान, प्रभु संकोच में हो जाएंगे कि मैं स्वयं अपने ही आराध्य को क्या मैं दिखाऊं लीला, तो वे वहां ठिठक गए, दूर से ही प्रणाम करे। प्रणाम करके देखा तो सती जी ने को नहीं समझ आया ये किसको प्रणाम कर रहे हैं, ये जो विलाप करता हुआ घूम रहा है अपनी पत्नी के लिए और उसको सच्चिदानंद जब पावन कहा, समझ नहीं आया तो प्रभु से कहा, प्रभु अभी आप किसको प्रणाम कर रहे थे? प्रभु ने कहा, सती ये वही त्रिलोकी के नाथ जगत नियंता जगदीश नारायण है, ये नारायण, हाँ ये नारायण, ये उनकी लीला चल रही है, देखो कैसी लीला कर रहे हैं। अब प्रभु तो और ज्यादा महाराज और दिखाए, कोई सामने आसन पड़ा था, लक्ष्मण मेरी सीता ने इसी को बुना था, और उस आसन को उठा उठा के देखे, मेरी सीता कहाँ गई, इसमें तो नहीं, उन्होंने कहा ये आसन में थोड़ा ना घुस जाएगी भ्राता श्री, सीता जी को कहीं और देखते हैं। आज पेड़ों से लपेट लपेट के रोने लगे हैं, मैंने ऐसा भाव कर दिया कि सती की बुद्धि चकरा गई। माँ सती सोचती ये भगवान नहीं हो सकता, ये तो साधारण मनुष्य से भी बहुत नीचे सामान्यतः है, अपनी स्त्री के लिए कितने वियोग में रो रहा है, जिसे अपनी स्थिति का भान नहीं है वो कैसा भगवान। भगवान ने बहुत समझाया शिव जी ने, देखो उनकी माया बहुत वैसी है सती, तुम ऐसा मत सोचो, भगवान की लीला चल रही है। भगवान जब लीला करते हैं राम अवतार कृष्ण अवतार में, तो ऐसा समझो कि भगवान अपने वो जो कंस आदि है इन सबको लेकर आते हैं, जैसे कोई रामलीला मैदान हो और रामलीला के लिए कोई मंच लगाए, मंच लगाने के बाद उसमें हनुमान जी का रोल वाले भी आ रहे हैं, रावण वाले भी आ रहे हैं, और फिर चार दिन के बाद वो सब उठा करके और अपने ले जाते हैं लोक में प्रभु, तो जितने भी आते हैं वो भगवान के पार्षद ही होते हैं, चाहे वो असुर बन के आ रहे हों, चाहे भगवान के संग के परिजन संबंधी बनकर आ रहे हैं, सब पार्षद होते हैं हरि के। तो प्रभु लीला अवतार इसलिए करते हैं जिसका लोग सहारा लेकर के उस दिशा की ओर बढ़ सकें। उन्हें अगर लीला नहीं होती भगवान की तो क्या आपको अयोध्या काशी या वृंदावन जैसा, गोकुल जैसा, महावन जैसा धाम मिलता, दर्शन करने के लिए प्रभु के स्वरूप मिलता, पूजा पद्धति मिलती, किसका ध्यान लगाते, कहाँ जाते, किसको भजते, किसकी कथाएं सुनते? प्रभु की अवतार से आपको एक एक साधन मिला है लीलाओं से। तो यहाँ सती जी को नहीं समझ आया तो भोलेनाथ ने कहा, हो ही है वही जो राम रची रखा, सती अगर तुम्हारे मन में जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले, तुम्हारे मन में अत्यधिक संदेह है तो मैं यहाँ बट वृक्ष के नीचे बैठा हूँ, तुम परीक्षा ले आओ। सती नहीं मानती, चल दी है, सोचने लगी कि मैं सीता का ही वेश बना लेती हूँ जिनके लिए ये व्याकुल है, और जब ये मुझे देख करके एकदम प्रसन्नता से होंगे तब मैं भगवान से
से जाकर कहूंगी देखा तुम्हारा भगवान कैसा बावला है और तुम उसको भगवान बता रहे हो। तो सती जी ने सीता कृत वेश बनाया। सीता कृत वेश बनाकर जैसे ही गई है वहां पर भोलेनाथ तो पहचान गए, राम जी पहचान गए और जो ही देखा सीता जी को, सती को सीता वेश में, और उन्होंने प्रणाम किया, हे दक्ष नंदिनी, हे जगदम्बे के भवानी, कहाँ है शिव आप इस बियावान जंगल में अकेली क्या कर रही हो? अभी अभी हमने अपनी देवी जी को खोया है, महादेव ने आपको अकेले कैसे भेज दिया यहाँ पर? कहीं कोई दानव उठा के ले गया तो मेरे भोलेनाथ कहाँ ढूंढेंगे आपको? अब जो सुना सती जी तो महाराज उनके तो पैरों तले जमीन खिसक गई, ये तो सचमुच में नाटक चल रहा है इनका, ये तो लीला चल रही है। अब कुछ बोल ना सकी क्योंकि भगवान जगत जननी सीता का वेश बनाया था, सीता का स्वरूप तो बना लिए पर स्वभाव ना बना सके। अब क्या कहें, हर जगह राम जी सीता राम जी उन्हें दिखाई पड़े, लौट कर आई। भगवान शिव ने पूछा कि किस प्रकार से तुमने परीक्षा ली, कहो सत्य सब बात, तुमने किस प्रकार से परीक्षा ली सती? उनका कोई कछु ना परीक्षा ली, गुसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली प्रभु, बस जैसे आप प्रणाम करके आए आपने दूर से किया, मैं थोड़ा नजदीक जाके करके आई हूँ। महादेव ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम नजदीक से जाकर आई हो और भगवान ने हमारे विषय में ना पूछा हो। बोले कछु नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, बात ही नहीं की। प्रभु ने ध्यान लगाकर देखा तो समझ गए कि सती ने चालाकी की है। देखो यहां सती ने मुझसे छिपाव करके भगवान की परीक्षा अलग ढंग से ले डाली। परीक्षा ले तो कुछ और बनकर लिया जा सकता था, कुछ और ढंग से ली जा सकती थी, पर सीता जी मेरी माँ का वेश बनाकर पहुंच गई, इसलिए ये शरीर अब इन पत्नी का नहीं रहा, इन्होंने माँ का रूप धारण किया, इसलिए मेरे पूजनीय हो चुकी हैं। एही तन सन सती भेट मोहिना शिव संकल्प कीन मन माहे, एही तन सती भेट मोहिना शिव संकल्प कीन मन माहे। इस तन से अब सती का भेंट मेरे साथ नहीं हो सकता, शिव जी ने संकल्प कर लिया और उसी समय आकाशवाणी हुई, जय गो महादेव, आप जैसा संकल्प कोई नहीं कर सकता, आज आपने भक्ति की दृढ़ता को बचा कर रख लिया। सती जी को समझ नहीं आया कि इन्होंने क्या त्याग दिया, पूरे रास्ते पर पूछते हैं प्रभु आपने किसका त्याग कर दिया, मन में डर है कहीं प्रभु को मेरे छिपाव का पता तो नहीं चल गया। लेकिन जब देखा कि वो व्यवहार प्रभु का जो प्रेम था मेरे प्रति, मेरी बात कभी टालते नहीं थे, आज वो मेरे प्रश्न का उत्तर ढंग से दे नहीं रहे। आए शिव कैलाश पर और आते ही समाधिस्थ हो गए। सती पति के विरह में, भगवान शिव के विरह में व्याकुल है और आज सती माता व्याकुलता में कभी बाहर आती हैं, कई प्रभु को देखती हैं। ऐसे 88,000 वर्ष व्यतीत हो गए और प्रभु की एक दिन समाधि खुलती है, दौड़ करके सती जी जाती हैं तो भगवान ने जहाँ अपने बगल से स्थान देते थे आज समक्ष दे दिया। अब सती जी को ये पक्का, वह जान चुकी थी कि प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।